ये कहानी है एक ऐसे वैम्पायर की जिसे एक मच्छर काट लेता है और वो वैम्पायर कैसल में हजारों साल से कैद है। इस मूवी का नाम है वैम्पायर कॉपरिकी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसमें एक वैम्पायर हजारों साल से कैद था और तभी वो ताबूत खोलकर उठ खड़ा हो जाता है और तभी उसे एक मच्छर काट लेता है। वो आदमी एक वैम्पायर होता है जिसके कारण वो मच्छर भी अब वैम्पायर बन जाता है, जिसके बाद वो मच्छर कैसल से उड़कर वहां से निकल जाता है। तभी हमें एक माफिया को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स रेसिंग की इन्फॉर्मेशन को लीक करके बहुत पैसे जीत रही थी, लेकिन तभी उस जगह पर पुलिस की रेड पड़ती है पर उन्हें वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है। अब पुलिस को पता चलता है किसी अपने ही आदमी ने रेड की इन्फॉर्मेशन लीक की थी, जिसके बाद माफिया का लीडर वहां पर आता है जिस पर पुलिस को कोई भी सबूत ना मिलने पर उसे छोड़ना पड़ता है। कुछ देर बाद माफिया लीडर और एक पुलिस ऑफिसर डॉन ली लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और उन्हें एक आदमी हॉर्स राइडिंग की इन्फॉर्मेशन लीक के पैसे देने आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि डॉन ली ने ही रेड की इन्फॉर्मेशन माफिया को दी थी। थोड़ी देर बाद डॉन ली अपनी गर्लफ्रेंड योन ली को उसकी शॉप पर से पिक करने आता है, जहां वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है लेकिन योन ली उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे मना कर देती है, जिसके बाद डॉन ली यहां से ड्राइव करके चला जाता है। अब रास्ते में उसकी एक ट्रक वाले से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के वक्त वही वैम्पायर मच्छर डॉन ली को काट लेता है और डॉन ली के हटाने पर वो मच्छर वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद डॉन ली बेहोशी की हालत में आ जाता है और अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन जब वो उठता है तो उसके वैम्पायर जैसे दांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी उसके पास उसके साथी ऑफिसर केट का फोन आता है जिसमें वो एक होटल मर्डर केस के बारे में बताता है, जिसके बाद डॉन ली इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, लेकिन वहां बहुत सारा खून होने की वजह से डॉन ली उसको पीने लगता है। फिर केट और डॉनली दोनों एक लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में बहुत भीड़ होने की वजह से एक लड़की डॉनली के पास आकर खड़ी हो जाती है और डॉनली उस लड़की की गर्दन को देखकर एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। पर तभी डॉनली अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो अपने दोस्त केट को इस बारे में बताता है लेकिन केट उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। अगले दिन माफिया लीडर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहाँ डॉनली उसको देखकर काफ़ी डर जाता है। केट कहता है माफिया लीडर से कि तुम्हारे ही एक एम्प्लॉय ने हॉर्स राइडिंग की इन्फॉर्मेशन लीक की थी, जिस पर माफिया लीडर कहता है कि वह एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड था। पुलिस उससे पूछती है कि जिस रात इन्फॉर्मेशन लीक हुई उस रात तुम्हारे साथ कौन था। माफिया लीडर डॉन ली का नाम नहीं लेता और वहां से चला जाता है, जिससे डॉन ली को बहुत राहत मिलती है। फिर डॉन ली और केट उसकी गर्लफ्रेंड के स्टोर पर जाते हैं जहाँ उसे अपनी वाइफ के लिए अंडरवियर खरीदने थे, लेकिन स्टोर के अंदर ऐसी तस्वीरों को देखकर डॉन ली वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपना मुंह एक अंडरवेयर से छुपाता है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत अजीब लगता है। केट के जाने के बाद डॉन ली अपनी गर्लफ्रेंड योन ली को घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर योन ली उसे इनवाइट करती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन बीच में ही डॉन ली वैम्पायर बन जाता है और वहां से चला जाता है, जिससे योन ली को बहुत अजीब लगता है। फिर डॉन ली चर्च के फादर से मिलता है और वहां बताता है कि वो जब भी किसी लड़की को देखता है वो टर्न ऑन हो जाता है और एक वैम्पायर बन जाता है। वो फादर उसे एक दूसरे फादर से मिलवाता है जो कि एक वैम्पायर एक्सपर्ट होता है। फादर उसके गले को चेक करता है जहां मच्छर के काटने का निशान होता है। फादर उससे मच्छर के बारे में पूछता है तो डॉन ली बताता है कि वो मर गया, जिसके बाद फादर एक चाकू निकालता है और डॉन ली के हाथ को काट देता है, लेकिन वो घाव तभी की तभी भर जाता है। फादर फिर उसको जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन डॉन ली गन पॉइंट पर वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वो लड़की आती है जो डॉन ली और माफिया लीडर के साथ पार्टी में थी। वो पुलिस के कहने पर डॉन ली का स्केच बनवाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ डॉन ली केट को लेकर उसकी वाइफ के बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी रास्ते में डॉन ली के फोन पर माफिया का फोन आता है, जिसमें वो डॉन ली को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने केट से बुक नहीं ली जिसमें माफिया लीडर के खिलाफ सबूत हैं तो वो केट को मार देगा। अब रात को बर्थडे पार्टी में डॉन ली उसकी बुक को चुराने की कोशिश करता है लेकिन नहीं चुरा पाता, जिसके बाद केट को ये बात पता चल जाती है और केट डॉन ली से बहुत इमोशनल होकर उसे भाई कहता है, जिससे डॉन ली को बहुत रिग्रेट फील होता है, जिसके बाद डॉन ली वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद माफिया लीडर वहां आकर केट को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसकी बुक को ले जाता है, और जब ये बात डॉन ली को पता चलती है तो वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ने जाता है और उसके बाद वो अकेले ही माफिया लीडर को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन माफिया लीडर डॉन ली को बहुत बुरी तरह से मारता है और बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ताकि ये एक सुसाइड लगे। अब डॉन ली नीचे गिर जाता है लेकिन तभी वहां पर फादर आते हैं और डॉन ली को अपने घर ले जाते हैं। वो एक चाकू से अपने हाथ को काटते हैं और अपना खून डॉन ली के मुंह में डाल देते हैं। कुछ देर बाद डॉन ली बिल्कुल सही हो जाता है
और पूरी तरह से एक वैम्पायर बन जाता है। फादर डॉनली से कहता है कि उसे सनलाइट से बचना होगा और उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। वो उसे वार्निंग भी देते हैं कि अगर तुमने कभी भी किसी जिंदा इंसान का खून पिया तो वो फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। फादर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर वैम्पायर की शक्ति तभी आएगी जब तुम टर्न ऑन होगे या फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। उसके बाद डॉनली डिसाइड करता है कि वो इन शक्तियों से माफिया लीडर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा और उसे पुलिस में देगा, जिसके बाद डॉनली दीवार पर चिपक कर हॉर्स रेसिंग की इन्फॉर्मेशन को लीक करता है और उसके कंप्यूटर को हैक करके उसका पासवर्ड बता देता है, जिस वजह से माफिया को पैसों का बहुत भारी नुकसान होता है। और जब ये सारी बातें केट को पता चलती हैं तो उसे ये शक होता है कि ये जरूर डॉनली ने ही किया है। और वहीं डॉनली माफिया लीडर के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर भागने लगता है, इसीलिए उसके पीछे पूरी गैंग पड़ जाती है। और डॉनली भागते भागते एक क्लब पहुंच जाता है जहां वह बहुत सारी लड़कियों को देखकर टर्न ऑन हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को वैम्पायर बनने से कंट्रोल करता है। वहीं उसे यौन मिलती है जिसके साथ डॉनली डांस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ माफिया मेंबर्स आते हैं और डॉनली को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ वो डांस करने की वजह से टर्न ऑन हो गया था और वैम्पायर बन गया था, जिसकी वजह से वो सभी माफिया मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर इयोन डॉनली से मिलती है और उसे कहती है कि पहले तुमने माफिया मेंबर्स का साथ देकर गलत किया, लेकिन ये सही होगा कि अब तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। डॉनली कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर देगा माफिया लीडर को पकड़वाने के बाद। फिर वो अपने दोस्त केट से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ केट पहले तो उस पर बहुत गुस्सा होता है, बट बाद में दोनों मिलकर उसको पकड़ने का डिसाइड करते हैं। केट बताता है कि माफिया लीडर ड्रग्स का धंधा भी करता है और उसे बिल्डिंग का एड्रेस देता है जहाँ वो लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। फिर डॉनली अपने वैम्पायर के सीक्रेट के बारे में केट को बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब डॉनली वहाँ जाता है और कुछ फिल्म्स देखने लगता है ताकि वो टर्न ऑन हो जाए, जिसके बाद वो उनके अड्डे पर जाता है और सभी को मारकर ड्रग्स को तबाह कर देता है, जिसके बाद माफिया मेंबर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन डॉनली अब नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर वो टर्न ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैम्पायर नहीं बन पाता है और भागने लगता है। और वो इनसे पीछा छुड़ाकर बहुत मुश्किल से चर्च में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर माफिया लीडर का फ़ोन आता है और वो यौन को बंदी बनाकर डॉनली को वहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद डॉनली वहाँ जाता है और इयोन को लटका देखता है। वहाँ माफिया मेंबर्स डॉनली को मारने आते हैं, लेकिन डॉनली वैम्पायर पावर से सबको मार देता है, बट अचानक से लड़ते लड़ते उसकी आंखों पर से उसका मास्क गिर जाता है, जिस वजह से रोशनी उसके मुंह पर गिरने लगती है और वो हारने लगता है। अब माफिया मेंबर्स उसे बहुत मारते हैं और इयोन ली को भी हाइट से फेंक देते हैं, जिससे इयोन बेहोश हो जाती है। और ये देखकर डॉनली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा वैम्पायर बन जाता है और सभी गैंग मेंबर्स को मारकर माफिया लीडर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ फादर आते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उसने उसका खून पी लिया तो वो कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाएगा, इसीलिए डॉनली उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी माफिया लीडर पीछे से डॉनली के पेट में चाकू घुसा देता है, फिर गुस्से में आकर डॉनली उसका खून पी लेता है, लेकिन इस वक्त से अब वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। फिर हमें नेक्स्ट डे केट इयोन से मिलता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें वो डॉनली की बातें करते हैं और डॉनली वैम्पायर शक्ति के साथ रात को बुरे लोगों को पकड़ने का काम करता है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वैम्पायर कॉप रिकी मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। आप किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं जिससे हमें सपोर्ट मिल सके और हमारा चैनल ग्रो हो सके, तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।